जय माता दी। मैं हूं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। नवरात्रि का आज नौवां दिन है। नौवें दिन माँ सिद्धदात्री माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का पूजा करा जाता है और नौवीं शक्ति का नाम सिद्धदात्री के रूप में जाना जाता है। सभी प्रकार की सिद्धियाँ को देने वाली माँ सिद्धदात्री देवी होती हैं। नवरात्र पूजन के नौवें दिन इनकी उपासना की जाती है और इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ त्याग के साथ साधना करना चाहिए। तो जो साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आज के दिन सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है जो नौ दिन की पूजा करता है, जो साधक होता है। देवी सिद्धदात्री का वाहन सिंह है, वह कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। माँ देवी की पूजा करने से समस्त प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। यह अंतिम देवी हैं। इनकी साधना करने से लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। भगवान शिव ने माँ सिद्धदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियाँ प्राप्त की थीं। इस देवी की कृपा से ही शिव जी को आधा शरीर देवी का हुआ था। इस कारण भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता और अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ के चरणों में शरणागत होकर हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उपासना करते रहना चाहिए। तो माँ सिद्धिदात्री का स्मरण करने से, ध्यान करने से और पूजन करने से हमें संसार की आसक्ति से मुक्ति मिलती है। संसार से आसक्ति खत्म हो जाती है और हमारे अंदर अध्यात्म की वृद्धि होती है। हम राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं और व्यक्ति स्थित प्रज्ञता की स्थिति में आ जाता है और अमृत पद को प्राप्त कर लेता है। देवी पुराण में ऐसा कहा गया है कि भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियां प्राप्त की थी और ये कमल पर आसीन होती हैं और केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर सभी इनकी आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं का सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्र के नौवें दिन इनकी पूजा की जाती है। इनका स्वरूप माँ सरस्वती का भी स्वरूप माना जाता है और माँ दुर्गा के सिद्धदात्री स्वरूप की पूजा विधि विधान के साथ इस तिथि पर विशेष किया जाता है और उसके बाद हवन इत्यादि किया जाता है और यह माँ दुर्गा के नौ रूप का आखिरी दिन होता है। इस दिन माना जाता है कि सिद्धदात्री के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा करना चाहिए। सर्वप्रथम माता जी की चौकी पर सिद्धदात्री माँ की तस्वीर या मूर्ति रख इनकी आरती करें, तत्पश्चात हवन करें और हवन करते वक्त सभी देवताओं के नाम से हवि यानी आहुति अवश्य देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप है, जितने श्लोक हैं सभी मंत्र हैं और सप्तशती के सभी श्लोक के साथ साथ आहुति दी जा सकती है और देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमो नमः, कम से कम इस मंत्र का 108 बार आहुति अवश्य देना चाहिए। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा के पश्चात अंत में इनके नाम से हवि देकर आरती करनी चाहिए। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे समस्त लोगों में वितरित कर दें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। इस तरीके से माँ की उपासना करें और माँ का मंत्र पढ़ें, वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्थ कृतम शेखरम कमल अस्थताम चतुर्भुजा सिद्धदात्री यशस्विनीम। इस तरीके से माँ सिद्धदात्री का पूजा के बाद भोग लगावें और भोग क्या लगाया जाता है नौवें दिन माँ सिद्धदात्री को, मौसमी फल जो भी ऋतु फल है, वो जो भी मौसम का सीजन का ऋतु फल होता है वो जरूर चढ़ावें, अर्पित करें। तत्पश्चात हलवा, पूड़ी, काले चने और नारियल का भोग लगाया जाता है। जो भक्त नवरात्रों का व्रत कर नौमी पूजन के साथ साथ व्रत का समापन करते हैं उन्हें इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति उत्तरोत्तर प्रगति करता है, निर्भय रहता है और समस्त प्रकार के समस्याओं से उसको मुक्ति मिलती है। जातक की कुंडली में अगर किसी भी प्रकार का पाप पीड़ित ग्रह है या परेशानियों में घिरा हुआ है या लगता है कि उसके संकटों का समाधान नहीं हो रहा है तो इस नवरात्रि पूजन का
पूजन के बाद, व्रत के बाद जो भी करता है तो उसको काफ़ी उसे राहत मिलती है और समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान होता और व्यक्ति निर्भय होकर रहता है, प्रगति करता, धनवान होता है और उसको हर प्रकार के सुख समृद्धि यश प्रतिष्ठा उसको इच्छित मिलता है। जय माता दी।